अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुकैबनवर और आप देख रहे हैं पाक जॉब्स एंड ईडीयू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जेल पुलिस के रिलेटेड मैं शेयर करने जा रहा हूँ, और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ और मैं दावे से कहता हूँ, अगर आप ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आप ये तैयार करते हैं तो दोस्तों आपके 90+ जो है वो 90+ परसेंटेज आपके मार्क्स आएंगे। मतलब 50 नंबर का पेपर है तो आप 45+ जो है मार्क्स आप इसमें इजीली जो है वह ले सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपने वीडियो जो है एंड तक वॉच करनी है ताकि आपको हर क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों, आपने बस ये वीडियो जो है कंप्लीट वॉच करनी है, और इसके अलावा ये नोट्स या PDF में कैसे जो है वो हासिल कर सकते हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए आपने वीडियो के साथ बने रहना है और इसे एंड तक वॉच करना है। तो दोस्तों, देखें जिस तरह पहले क्वेश्चन है, अभी ये जो मैंने पोर्शन जो है खोला हुआ है, ये पोर्शन मैंने खोला है जी इस्लामिक स्टडीज़ का। अब जिस तरह ये देखें, इन पाकिस्तान उशर बिगेन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम, के उशर जो है वो कब जो है जमा होना शुरू हुआ, तो ये जो शुरू हुआ जी रबी क्रॉप से 1982 के अंदर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड खातमुन नबीयीन इज़ फाउंड इन सूरह ऑफ होली कुरान, के कुरान पाक के अंदर खातमुन नबीयीन कहाँ लिखा गया है। तो इसका क्वेश्चन वो कहता है नीचे लिखा हुआ बोल्ड करके सूरह अहज़ाब के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजल्फ़ा इज़ सिचुएटेड इन, मुजल्फ़ा कहाँ है जी। तो इसका ऑप्शन भी जो है बी ऑप्शन है, बिटवीन मीना एंड अरफात, अरफात और मीना के दरमियान जो है मुजल्फ़ा मौजूद है। मोस्ट ऑफ़ दी हाफ़िज़े कुरान वर मेटेड इन विच बैटल, किस जो है जंग के दौरान हाफ़िज़े कुरान बहुत ज़्यादा जो है वो शहीद हुए थे, तो जंग का नाम था जंग यमामा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मिसाके मदीना वाज बिटवीन, मिसाके मदीना किन के दरमियान जो है हुआ था, वो हुआ था जी मुस्लिम ज्यूज़, इसका ऑप्शन सी जो आ रहा है। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि टू हूम डिड द होली प्रॉफिट गो इमीडिएटली आफ्टर दी रिवलेशन ऑफ फर्स्ट वही, के फर्स्ट वही के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास गए थे, तो वो हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए थे। हाउ मेनी मसारिफ ऑफ ज़कात, ज़कात के कितने मसारिफ हैं, तो इसके ऑप्शन डी है 8 इसके मसारिफ हैं। हाउ मेनी हेड ऑफ ज़कात, ज़कात के कितने जो वो हेड हैं, वो जिस तरह मसारिफ का बता दिया कि इसके 8 जो है वो मसारिफ हैं। द बैटल ऑफ यरमूक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड, किसके मुसलमानों और किसके दरमियान हुई थी, तो वो रोमन्स रोमन एम्पायर के दरमियान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सूरा इज़ मोहम्मद नेम मेंशन, किस सूरा के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है कि वो सूरा मुदस्सिर है। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड मोहम्मद मेंशन इन होली कुरान, होली कुरान के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार आया, तो दोस्तों 4 मरतबा आया है, ये ऑप्शन इसके ऊपर इसके अंदर लिखा हुआ है कि होली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैज़ बीन मेंशन एज अहमद इन विच सूरा ऑफ होली कुरान, के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद जो है वो किस सूरह के अंदर आया जी, तो वो सूरह असाफ के अंदर आया है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट, के अम्बिया की सरजमीन किस जो है वो जगह को कहा जाता है, तो वो पैलेस्टाइन मतलब फ़लस्तीन, अब वो जो है इसराइल के पास है, जिसे हम वेस्ट बैंक भी कहते हैं। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय लैंड, सबसे ज़्यादा जो है जगह जो है किस मुसलमान मुल्क के पास है, तो वो दोस्तों कजाकिस्तान है, जो सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क रकबे के लिहाज से। अगला क्वेश्चन है जी, इन द बिगनिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम वर्क एज शेफर्ड फार, के मोहम्मद सल्लम ने शुरू में जो है बकरियां जो है पालते थे, तो वो कौन सी जो है कहाँ पे करते थे, तो वो बनू साथ थी। हिजरी कैलेंडर वाज स्टार्टेड, हिजरी कैलेंडर कब स्टार्ट हुआ जी, 16 हिजरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हजरत डैश लेविड ज़कात ऑन हॉर्सेस, कि किन जो है अमीरुल मोमिनीन ने जो है घोड़ों के ऊपर ज़कात जो है फ़र्ज़ की, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी, हज़रत डैश कन्क्वर्ड दी फोर्ट ऑफ कमूस, के किले कमूस किन जो है वो साहबा ने जो है फ़तेह किया था, तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। तो दोस्तों, इस तरह ये तकरीबन जो है वो 447 पेजेस हैं। दोस्तों, मैं गारंटी से कहता हूँ अगर आप इसे एक बार तैयार करें आपको कोई भी जो है वो इसमें फेल नहीं कर सकता, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने जो है इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है,
इंशाल्लाह आपको मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे। और दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताऊँ कि इसके तैयारी के लिए सिर्फ आपको एक दिन चाहिए, आपने कोई और बुक तैयार नहीं करनी, आप सिर्फ ये बुक तैयार करें, इंशाल्लाह आपके 90 प्लस परसेंटेज, मतलब आपके जो नंबर बनेंगे वो 45 नंबर से अबव ही होंगे, तो आप इसमें फेल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट जो है वो अगर हम कोई पोर्शन देखें तो अब देखें मैं इसे जो स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, अभी हम देखते हैं कि ये कौन सा जो है इसका पोर्शन चल रहा है, क्योंकि मैंने जो आपके साथ जो फर्स्ट में जो है क्वेश्चन शेयर किए थे वो क्वेश्चन इस्लामियात के थे। अब नेक्स्ट जो है पोर्शन पेज नंबर 225 मतलब 225 पेज पे स्टार्ट हो रहा है जी, ये है जी जनरल नॉलेज। इसका एक क्वेश्चन है जी कि द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो जजीरा वो कौन सा है, तो वो ग्रीन लैंड, ये एक छोटा सा मुल्क है जी। हाउ मेनी कंट्रीज़ हैव अ रिपब्लिक गवर्नमेंट इन वर्ल्ड, के जमहूरी मुल्क कौन से हैं जी, उसमें है जी 90 टोटल मुल्क हैं। इन विच कंट्री पेपर वाज फर्स्ट इन्वेंटेड, के जो सफ़ा है वो कौन से मुल्क के अंदर जो है दरियाफ्त हुआ था या जिन्होंने ईजाद किया, तो वो था जी चाइना। तो दोस्तों आपने इसे मुकम्मल तौर पे जो है तैयार करना है, और इंशाल्लाह मैं ये जो आपके जो इम्पोर्टेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट किस्म के नोट्स हैं ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पंजाब पुलिस जॉब्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। और दोस्तों आपने लाजमी अपने तमाम दोस्त हैं उनके साथ भी इसे शेयर कर देना है। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट जो है नोट्स हैं ये लॉक्ड हैं, तो आपने इसे ओपन किस तरीके से करना है, तो दोस्तों इसका सिंपली एक पासवर्ड है 1122, सिंपली आपने लिखना है 1122, ये इसका पासवर्ड है। तो आप जैसे ये पासवर्ड लगाएंगे कि आपके ये नोट्स जो है कम्प्लीटली तौर पे ओपन हो जाएंगे, तो आपने इसे कम्प्लीटली तौर पे वॉच करना है। और दोस्तों इंशाल्लाह आपका कल टेस्ट है, मेरी दुआ है कि आप अपने रिटन टेस्ट के अंदर कामयाब हों, और ना कि सिर्फ आप कामयाब हों और आपके अच्छे नंबर आएँ, ताकि आप इंटरव्यू के लिए जो है वो क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हुई होगी और आपको काफ़ी अच्छी भी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।